हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी? होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है संगीता और मैं भी बहुत अच्छी हूं। तो ये ब्लॉग है दिन मंडे का, यानी कि कल का, और अभी सुबह का बज रहा है 7। सुबह सुबह ही पौधों को पानी दे दे रही हूँ और अभी बालकनी में इतनी तेज़ धूप आ जाती है ना सुबह 7 बजे ही कि बालकनी में खड़ा भी नहीं हुआ जाता। पौधों को पानी देने के बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं अपने लिए गर्म पानी करूँगी। 2 गिलास गर्म पानी तो मैं पीती ही हूँ, ये मेरा रूटीन है डेली का। और ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं ना, ये शाम में धुली थी, अभी अच्छे से सूख चुकी है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी, मस्टर्ड ऑयल है ये, सरसों का तेल। और आप देख सकते हैं गाइस, टिश्यू पेपर से ही मैं इसे फैलाती हूँ। इससे क्या होता है ना कि ऑयल बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है कढ़ाई में और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो टिश्यू पेपर में रह जाता है, तो फिर जो कढ़ाई है वो चिटचिट नहीं करती है। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेल लगा के रख देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट आ जाती है कढ़ाई में, फिर यूज करने से पहले फिर से इसे धोना पड़ता है। लेकिन ऐसा करने से अब मुझे इसको दोबारा धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसे मैं अच्छे से कवर करके रख दे रही हूँ। और यहीं पे मैं हमेशा रखती हूँ, जब भी चिप्स पापड़ फ्राई करना होता है या फिर पूरी फ्राई करना होता है ना, तो मैं इसी कढ़ाई का यूज करती हूँ। अभी सुबह का 8 बज रहा है और मैं सोच रही हूँ कि सब्ज़ी बना के रख दूँ। लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोग से बोली ही थी कि कम से कम समर में सब्ज़ी बना के मैं सुबह ही रख दूँगी। तो गाइज, मैं क्या ली हूँ ना कि सत्तू ले ली हूँ 1 से 1.5 चम्मच। आप इसकी जगह ना बेसन भी ले सकते हैं, पर बेसन को आप भून लीजिएगा तभी यूज कीजिएगा, सत्तू को भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डाली हूँ मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच इसमें जाएगा धनिया का पाउडर, और 1/2 चम्मच डाली हूँ जीरा का पाउडर। और ये जो है ना, ये काश्मीरी लाल मिर्च है, ये तीखी नहीं होती है, बस अच्छे कलर के लिए इसे मैं डाल रही हूँ। और साथ ही 1 छोटी चम्मच आमचूर का पाउडर डाली हूँ, जाएगा इसमें स्वाद के अनुसार नमक। और इसमें 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे, इससे क्या होगा ना कि मसालों में अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी। तो गाइस, मैं बना रही हूँ भरवा भिंडी कुछ अपने तरीके से। एक बार ये रेसिपी आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इतनी अच्छी बनी थी ना सच में, हस्बैंड बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे। तो आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल रेडी है, आप इस तरह से करके आप देख सकते हो कितनी अच्छी बाइंडिंग आ रही है। जितनी अच्छी बाइंडिंग आएगी ना तो ये भिंडी के अंदर बहुत ही अच्छे से आप इसे फील कर पाओगे। और साथ ही जैगरी पाउडर ख़त्म हो गया था जार का, तो मैं फील करके रख दे रही हूँ। और साथ के साथ आप देख सकते हो चाय भी बनके हो गई है रेडी। चाय पत्ती को धोने के बाद ही मैं डस्टबिन में डालती हूँ, तो वही मैं आ गई हूँ यहाँ पे धोने के लिए। सो गाइस, लास्ट ब्लॉग में मैं आप लोग से बोली थी कि मुझे कमेंट आया था कि मैं द लाइफ स्टाइल टेल का नकल करती हूँ, पर एक भी ऐसा कमेंट नहीं आया ना जिसमें लिखा हो कि मैं नकल करती हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे आपके कमेंट आए कि दोनों का ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल भी सेम नहीं लगता है, उसके लिए थैंक यू सो मच। वैसे मुझे तो पता ही था, लेकिन आप लोगों से भी मुझे जानना था कि क्या सच में सेम लगता है ब्लॉग। और आप लोगों को पता है, मुझे ये दिखता है कि मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स से द लाइफ स्टाइल टेल देखते हैं और साथ के साथ और कौन कौन सा चैनल देखते हैं, ये सब मुझे पता है, मुझे दिखता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नकल भी करूँगी तो वही सब चैनल से करूँगी, सोचने वाली बात है कि नहीं। तो सारे भिंडी के बीच में मैं चीरा लगा ली हूँ और चेक भी ज़रूर कर लीजिएगा, कभी कभी कीड़े निकल जाते हैं। और आप देख सकते हो इतना सारा भिंडी बेकार हो गया, ऐसे ही होता है। 250 ग्राम में भिंडी लेकर आई थी, 4 से 5 तो खराब ही निकल गया। तो अच्छे से इसे हम फील कर देंगे, जब आप देख सकते हो कैसे मैं फील कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से हो जाता है क्योंकि मसालों में अच्छी बाइंडिंग है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है नहीं। तो ये सब करने से पहले भिंडी को मैं धो के अच्छे से सुखा ली थी, मतलब जो भी भिंडी पे पानी था वो मैं अच्छे से पोंछ ली थी, उसके बाद ही ये सब मैं प्रोसेस कर रही हूँ। भिंडी अच्छे से सूखा रहेगा गाइस ना, तो पकाते टाइम उतनी लिबलिबी चिपचिपी सी जो दिखती है ना, उतार तार जैसी, वो नहीं दिखेगी। सुखा लेने से यही बस एक फ़ायदा हो जाता है। आप चाहें तो भिंडी को ऐसे भी पका सकते हैं बिना काटे हुए भी, लेकिन मैं इसे छोटा छोटा काट ले रही हूँ। इसे क्या होता है ना कि खाते टाइम, मतलब कि रोटी के साथ खाएंगे ना, तो बाइट लेते टाइम थोड़ी सी आसानी हो जाती है, बस इसलिए। ये
भिंडी का काम तो हो गया, थोड़ा सा मसाला बच भी गया है। तो गाइज मसाला भी इतना बनाना है ना कि थोड़ा सा मसाला बच जाए। इससे क्या होगा ना कि ऊपर से जब हम मसाला डालेंगे तो बहुत ही अच्छी कोटिंग आ जाएगी भिंडी के ऊपर मसालों की। अंदर से ही मसाला रहेगा प्लस ऊपर से भी मसाला रहेगा। और जो मैं सत्तू डाली हूँ ना गाइज, इतना अच्छा फ्लेवर आता है उसका, मैं क्या बताऊँ। आप लोग ट्राई करके देखिएगा। और ये जो प्याज है ना, एक प्याज मैं ले ली हूँ और इसे मैं मोटा मोटा ही काट ले रही हूँ। और जो भी पेटल्स हैं सारे पेटल्स मैं अलग अलग खोल ली हूँ। यहाँ पे ले ली हूँ तेल, सरसों का तेल अच्छे से गरम कर ली हूँ। डाली हूँ राई, और राई जब हल्का सा तड़कने लगा था तो डाल दी हूँ जीरा, और उसके बाद डाल दी हूँ प्याज और दो हरी मिर्च। इसको भूनना नहीं है, बस मैं हल्का सा चला रही हूँ, अभी पकाना बिल्कुल भी नहीं है प्याज को गाइज, मैं बस हल्का सा चलाई हूँ। उसके बाद ये डाल देंगे काटा हुआ भिंडी, मतलब कि भरवा भिंडी, और जो भी बचा हुआ मसाला था वो सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, हाई फ्लेम पर मैं बस इसे एक मिनट के लिए पकाऊँगी, उसके बाद कवर करके लो फ्लेम पर पकाऊँगी, और बस बीच बीच में चलाते रहना है। नमक उमक कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है गाइस, क्योंकि नमक मैं पहले ही डाल चुकी हूँ मसालों में, प्लस हल्दी भी, तो अब कुछ भी नहीं जाएगा इसमें। बहुत ही आसान है इसे बनाना गाइस, लेकिन वही है कि फ्रिक्वेंटली ऐसा बनता है नहीं। लगता है कि मसाला रेडी करना है प्लस भिंडी में भरना है तो कौन इतना तामझाम करे, लेकिन जब बनाने चलो तो इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा आसान है इसे बनाना। और साथ के साथ मैं रोटी के लिए आटा भी लगा ले रही हूँ, और एक सब्जी और बनाऊँगी उसकी भी मैं तैयारी कर ली हूँ। आप देख सकते हो साइड में प्याज काट के मैं रखी हुई हूँ उसके लिए। भरवा भिंडी तो बनके रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मसालों की कितनी अच्छी कोटिंग आई है ऊपर से, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, मुश्किल से 5 से 7 मिनट ही लगता है और ये सब्जी बनके हो जाती है रेडी। और आपको पता है हस्बैंड को ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी ही लेकिन उनको भी अच्छी लगी। और जब कोई सब्ज़ी उनको अच्छी लग जाती है ना तो फिर पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनी मेहनत करते हैं ना हम लोग तो लगता है खाने वाले को भी अच्छी लगनी चाहिए। तो सच में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। और यहाँ पर मैं दूसरी सब्जी बना रही हूँ गाइस, बना रही हूँ बोधी आलू की सब्जी। वैसे तो इसकी रेसिपी बहुत बार मैं आपके साथ शेयर की हूँ, इसलिए मैं उतना इसका प्रोसेस नहीं दिखा रही हूँ। दो दिन से मैं सुबह सुबह ही सब्ज़ी बना के रख दे रही हूँ और इसका फ़ायदा मुझे दिख भी रहा है सच में। मतलब कि जो भी भागम दौड़ होती है ना वो 10 से 11 बजे तक ही होती है सुबह की, और दोपहर में काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। तो खाना बनाने के साथ साथ मैं घर की साफ़ सफाई भी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किचन में खड़ा होकर बस सब्ज़ी ही बना रही हूँ। जब भी लो फ्लेम पर करके मैं छोड़ती हूँ ना सब्ज़ी को, तो साइड से जो भी काम होता है मैं सोचती हूँ उसको भी निपटा लूँ नहाने जाने से पहले। सब्जी का काम भी हो ही चला है, इसमें मैं डाल दी हूँ मसाला, और मसाला डालने के बाद अब इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, बस लो फ्लेम पे इसे पकाएंगे। 8 से 10 मिनट समय लगने वाला है, अभी मेरे पास 10 मिनट समय है, तो फिर से मैं लग जा रही हूँ साफ़ सफाई के काम पे। और इस मनी प्लांट का पानी थोड़ा सा कम हो गया था तो मैं फिर से पानी चेंज कर दे रही हूँ। वैसे भी हर 7 से 10 दिन में पानी चेंज करते रहती हूँ और प्लांट को भी धो देती हूँ। और ये जो मनी प्लांट है ना, ये मैं रखती हूँ जो सोफ़ा जहाँ है ना, जो सेंटर टेबल वहीं पर रखती हूँ, तो सुबह सुबह बहुत तेज धूप आती है मे भी, इसलिए इसका पानी जल्दी कम होता है। एक मनी प्लांट डाइनिंग टेबल पे भी है लेकिन उसका पानी जल्दी कम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं जाती है और यहाँ धूप आती है तो पानी जल्दी से कम हो जाता है। तो बस ये सब्जी होने ही वाली है गाइस, आप देख सकते हो मसाला कितने अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें डाल दे रही हूँ पानी और साथ के साथ रोटी भी बना ले रही हूँ। तो अभी मैं बस दो तरह की सब्जी और रोटी ही बनाऊँगी, चावल दाल मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ, क्योंकि चावल दाल गर्म गर्म खाने में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और सब्जी तो ठंडी चलेगी, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी है और गर्मी में ठंडी सब्जी खाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठंड का मौसम रहता तो फिर सब्जी भी ठंडी ठंडी अच्छी नहीं लगती है। सब्जी बन चुकी है, लास्ट में मैं इसमें गरम मसाला का पाउडर डाल रही हूँ,
और अब मुझे कुछ भी नहीं बनाना है, जो भी मुझे बनाना था वो सब कुछ बन चुका है सुबह सुबह। अब जो भी थोड़ा बहुत करना है वो मैं करूँगी दोपहर में। खाना बनाने के बाद मैं 10 से 15 मिनट के लिए आराम की थी, मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल करना होता है, उसके बाद ही नहाया जाता है ऐसा मम्मी बोलती हैं। किचन से निकल के डायरेक्ट मुँह भी नहीं धोना चाहिए गाइस, अच्छा नहीं होता है। काम करते करते सुबह का 10 बज चुका है और अभी मैं बैठी हूँ खाने के लिए, और पता नहीं क्यों खाने का उतना मन हो नहीं रहा था तो एक रोटी ही लेकर बैठी हूँ। और वैसे तो मैं प्रॉपर थाली में खाती हूँ, लेकिन एक ही रोटी खानी थी तो मैं सोची चलो छोटे से प्लेट में ही खा लिया जाए। और किचन में काम करने से बालों में इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है ना कि पूरा बाल भींग जाता है, तो वही मैं बाल खोल के बैठी हूँ ताकि अच्छे से बाल सूख जाए। जब तक बाल भींगा रहेगा ना तो फिर फ्रेश फ्रेश लगता नहीं है नहाने के बाद भी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब का ही काम कर रही थी और थोड़ा बहुत आराम भी कर रही थी। और अभी मैं आप लोग से मिल रही हूँ, दोपहर का बज रहा है 12 और हस्बैंड का ना चाय पीने का मन कर रहा था, तो मैं बोली कि नहीं चाय नहीं कुछ अच्छा सा ड्रिंक बनाती हूँ, तो सोची कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं 5 चम्मच जागरी का पाउडर ली हूँ गाइस, गुड़ का पाउडर है ये, आप जो नॉर्मल गुड़ आता है ना वो भी ले सकते हैं। 2 ग्लास बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मैं गुड़ ले ली हूँ। 12 से 15 पुदीना का पत्ता ले ली हूँ, काला नमक और 1 पूरा नींबू का रस। 1 ग्लास चिल्ड वाटर डालेंगे और इसे चर्न कर लेंगे। चर्न करने के बाद 1 ग्लास ठंडा पानी और मैं ऐड की थी, क्योंकि 2 ग्लास बना रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग सब कुछ डाला भी हुआ था उसमें। तो ग्लास में सबसे पहले डाली हूँ आइस क्यूब, उसके बाद थोड़ा सा पुदीना का पत्ता डाल दी हूँ और इसे मैं छान रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है जो पार्टिकल्स आते हैं ना पीते टाइम मुँह में, मुझे नहीं पसंद है और मेरे पति देव को भी नहीं पसंद, इसलिए मैं छान ले रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद है ना तो मत छानिएगा। तो सोशल मीडिया पर तो लोग बोलते हैं कि ये बिल्कुल गन्ने का जूस जैसा लगता है, पर थोड़ा बहुत फ्लेवर मिलता है, ऐसा नहीं मिलता नहीं है, मिलता है लेकिन पूरा फ्लेवर नहीं जाता है गन्ने के जूस जैसा। और बहुत इजी ड्रिंक है, आप लोग भी इसे बना के एंजॉय कर सकते हैं, घर के रखे चीजों से ही ये ड्रिंक बन जाती है। हस्बैंड को देकर आ गई हूँ और यहाँ पे चल रहा है भाभी जी घर पर हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शो, काफी फनी लगता है सच में, मैं अक्सर ये सब देखते रहती हूँ, मतलब क्राइम पेट्रोल, भाभी जी घर पे हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये सब है ना मुझे अच्छा लगता है देखने में। और बाहर कपड़ा सूख गया था तो उसे मैं रख दे रही हूँ अंदर और साथ के साथ फोल्ड भी कर दे रही हूँ। तो वही है गाइस कि इतना ज़्यादा शरबत पी लो, सुबह ब्रेकफास्ट तो किए ही थे फिर 1 ग्लास शरबत पी लो तो फिर कुछ खास खाने का मन होता नहीं है। मैं हस्बैंड से पूछी थी 2 बजे कि चावल दाल बैठा दूँ, तो वो बोलते हैं कि नहीं अभी रहने दो, मन नहीं कर रहा है। तो आपको पता है मैं लंच कब बनाई थी, 3:30 बज गया था, 3:30 बजे मैं चावल दाल बैठाई थी और 4 बजे हमारा हुआ था लंच। तो यही है कि जब खाने का मन होता है तभी मैं बनाती हूँ, और हस्बैंड भी वही बोलते हैं कि जब मन हो तभी बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है कि दोपहर हो गया है तो 2 बजे खाना ही है एकदम से टाइम से, ऐसा नहीं है। ये बार बार ढीला हो जाता है, पता नहीं क्यों मैं बार बार कसती हूँ, मतलब हर 5 से 6 दिन में से कसना पड़ता है, और फिर ये जब धुलने में जाएगा तो फिर ढीला होके आएगा उधर से तो यही चलता है, पता नहीं क्यों ये ढीला हो जाता है, लेकिन वही है कि कस देने में फिर टाइट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और कुछ दिन से मिक्सर ग्राइंडर भी मुझे साफ़ करना था, साफ़ किए हुए 20 से 25 दिन हो भी गया है। और आज मैं जो ड्रिंक बनाई ना, ज़्यादा पानी वाला ड्रिंक बनाना तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है पानी, तो वही हल्का सा चिटचिट भी कर रहा था और थोड़ा बहुत गंदा भी लग रहा था मुझे, तो इसे मैं करते रही हूँ अच्छे से क्लीन। गाइज आप लोग देख लीजिए, आप लोग कमेंट करते हो कि मैं कौन सा मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करती हूँ, तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही है, बॉस ब्रांड का मैं यूज करती हूँ। मेरे पास 2 चीज़ है इस ब्रांड का, एक ये मिक्सर ग्राइंडर और दूसरा है वॉशिंग मशीन, और दोनों बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, मतलब जब से मैं ये ली हूँ मिक्सर ग्राइंडर बहुत अच्छे से काम करता है और साथ के साथ वॉशिंग मशीन तो काम कर ही रहा है। और आप लोग देखते ही हैं कि मैं सब्जी या मसाला पीस के ही डालती हूँ हमेशा, कभी कभी ही ऐसा होता है कि पाउडर का यूज करती हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं मसाला पीस के ही डालती हूँ। घर में मम्मी क्या करती है ना कि मसाला पीस के 2-4 दिन के लिए स्टोर कर लेती हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करती हूँ गाइज, मैं एकदम फ्रेश मसाला पीसती हूँ और फिर यूज़ करती हूँ। तो मुझे मिक्सर ग्राइंडर ऐसा चाहिए था ना कि थोड़ा सा भी मसाला उसमें पीस जाए, क्योंकि थोड़ी सी सब्जी बनानी होती है तो मसाला भी थोड़ा ही चाहिए
होता है। तो मुझे वैसा मिक्सर ग्राइंडर चाहिए था कि थोड़ा सा ये मसाला बहुत अच्छे से चिकना पीस जाए। तो ये मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा भी मसाला हो ना उसे चिकना पीस देता है। सुबह सुबह मैक्सिमम काम निपटा दो तो आप देख सकते हो गाइस दोपहर में कितना ज़्यादा आराम हो जाता है। और आपको पता है आज शाम में ना बहुत अच्छी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान भी आया था और पूरी रात मतलब बारिश हुई, मौसम पूरा ठंडा हो गया था। सुबह जब जगी ना तो मौसम पूरा ठंडा था, लेकिन अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो फिर से बहुत तेज़ धूप है और बहुत गर्मी भी लग रही है। तो सब कुछ बन के रेडी हो चुका है, अब हम जाएंगे खाने गाइस। ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। होप कि आप लोग को मेरी ब्लॉग पसंद आई होगी। ब्लॉग का कोई भी पार्ट अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिलेगा। बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।